नमस्कार बंधुओं, देखिए हाल में ही इस वर्ष 2022 में अप्रैल महीने में ही दो तीन ग्रह जो बड़े ग्रह हैं वो राशि परिवर्तन हुए हैं। राहु केतु का परिवर्तन हुआ है। आज सूर्य मेष राशि में आएंगे, बृहस्पति भी कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो सभी नवग्रहों का हमारे जीवन के ऊपर, भाग्य के ऊपर भी, शरीर के ऊपर भी, धन के ऊपर भी, संतान के लिए भी, सभी प्रकार का प्रभाव, अच्छा और बुरा, सभी ग्रहों का, सभी जीव जंतुओं के ऊपर, सभी व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है। तो जो सर्वप्रथम मैं राहु केतु का ही वर्णन करना चाहूंगा, तुला राशि में केतु आए हैं और मेष राशि में राहु का आगमन हुआ है, और आज मीन राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य जाएंगे। तो किस मनुष्य को, किस राशि को क्या, किस ग्रह का प्रभाव होगा और क्या उनको, उसको रेमेडी एंड प्रिकॉशन क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम मैं मेष राशि वालों को ही कहूंगा। हमारी 12 राशियां होती है, तो मेष के ऊपर आया है राहु। राहु छाया ग्रह है ज्योतिष के हिसाब से। तो राहु का जो फल लिखा है, महादशा का जो फल लिखा है या गोचर में आने पर जो फल देता है, उसको आप ध्यान से सुने। बुद्ध्या विहीन मति भ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयाति विषमा पद मित्र तुल्यम व्याधि वियोग धन हानि विषानी राहोर दशा सर्जित जीवित संशयम च। देखिए जिस किसी मनुष्य के ऊपर राहु की महादशा आती है या गोचर में राहु चलते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सबसे पहले बुद्ध्याविहीन वह बुद्धि भ्रमित होती है। उसकी मति में भ्रम, टेंशन, बहम जिसको कहते हैं, डिप्रेशन। बुद्ध्याविहीन मति भ्रम सर्वशून्यम, सभी कामों में उसे शून्य दिखाई देता है, अर्थात हानि होती है। विश्वम भयाति विषमापद मृत्युतुल्यम, विष का भय होता है, फूड प्वाइजिंग हो जाता है, उसको लगता है मेरे को किसी ने जहर दे दिया है। रात को नींद नहीं आती, बुरे स्वप्न आते हैं, पति पत्नी में विरोध हो जाता है, क्योंकि भ्रम रोग एक ऐसा रोग है जो एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना पैदा करता है। पति पत्नी के ऊपर चारित्रिक दोष लगाने लगता है, और यदि पत्नी के ऊपर राहु आया है, वह पति के ऊपर दोषारोपण करने लगती है, तो इससे क्या होता है, दाम्पत्य जीवन को सबसे पहले यह प्रभावित करता है। तो मेष राशि वाले जो जातक है, चाहे वो महिला है, युवा है या पुरुष है, युवा वर्ग है या किसी भी आयु के हैं, अपनी बुद्धि को शांत चित्त से अपने परस्पर दाम्पत्य जीवन में, आप पति हैं तो पत्नी के ऊपर संदेह मत करो, उसको कटु वचन मत बोलो, और यदि स्त्री के ऊपर ऐसा ग्रह आया है, अपने पति का रेस्पेक्ट करें, आदर करें, उनके ऊपर कोई लांछन ना लगाए। क्योंकि अधिकांश राहु केतु जब गोचर में आते हैं, तलाक जैसी स्थिति बनती है, संबंध विच्छेद तक यह ग्रह करा देते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम तो अपने आप को संभालना है, बिना मतलब की बातों पर घर में क्लेश नहीं करना है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। मीन राशि में जो गुरु आए हैं, इनकी स्वयं की राशि है, मीन राशि का स्वामी जो है गुरु होता है। तो जो मीन राशि वाले हैं, उनका वैसे तो उनके ऊपर अभी साढ़े सती अप्रैल महीने के आखिर में शुरू हो जाएगी मीन राशि वालों के लिए, लेकिन बृहस्पति उनकी राशि में आए हैं तो ये उनके लिए अच्छा संकेत है। उनके धार्मिक स्वभाव के कारण उनको शनि का प्रभाव इतना नहीं होगा, और उनके घर में कुछ मंगल कार्य भी होंगे। मंगल कार्य का मतलब ये है, जो मीन राशि की कन्याएं हैं उनके विवाह में बाधा चल रही थी, उनकी शादी हो जाएंगी। जो मीन राशि के लड़के हैं,
जिनको विवाह में बाधा आए, संतान में बाधा है, संतान और विवाह का योग बनेगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है सुख और संतान ज्ञान के प्रतीक हैं। शास्त्रों में बृहस्पति के विषय में आया है, नृप प्रसादम धन धान्य पुत्र कलत्र मित्रादिशु रत्न लाभम निरोगताम शत्रु जयम च सौख्यम गुरोर दशा वांछित मातनोति। जब आपके ऊपर बृहस्पति की दशा आती है या गोचर में गुरुदेव बृहस्पति आते हैं, स्वर्ण का लाभ होता है, राज्य कृपा होती है, नौकरी मिल जाती है, धन धान्य का लाभ होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, अनेकों सुख साधन मिलते हैं और धार्मिक स्वभाव बनता है, देव कृपा होती है और वैष्णो देवी हरिद्वार आदि तीर्थ यात्राओं पर जाने के योग संयोग बनते हैं। आपके लिए बृहस्पति राहु केतु सभी नवग्रह मंगलकारी हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को यथा योग्य और अपने शिष्यों को शुभ आशीर्वाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।